हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य के रोहतास ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी राज्य हैं इनके अंदर जितने भी ज़िले आते हैं सब पर वीडियो बन चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपना ज़िला के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, रोहतास ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 ज़िलों में से एक रोहतास ज़िला के नाम से जाना जाता है। इस ज़िले को हम सासाराम ज़िला के नाम से भी जानते हैं। रोहतास ज़िले का हेड क्वार्टर ऑफिस सासाराम शहर में मौजूद है, और रोहतास ज़िला बिहार के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस ज़िले का हेड क्वार्टर सासाराम शहर में मौजूद है, और रोहतास ज़िला पटना मंडल के अंतर्गत आता है। रोहतास ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम बक्सर ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, कैमूर ज़िला और भोजपुर ज़िला है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के रोहतास ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3887 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास ज़िला की कुल आबादी 29,59,918 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 914 के करीब है, यानी कि रोहतास ज़िला में 1,000 पुरुष पर 914 महिला हैं। रोहतास ज़िला के मुख्य नदी का नाम सोन नदी है। सोन नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला बिहार की राजधानी पटना से महज 150 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 971 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग बिहार के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 30 और नेशनल हाईवे संख्या 2 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती है। सोन नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो रोहतास ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम देहरी आसनसोल रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म व 10 पटरी शामिल है, और इसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी। बाद में 1961 से 1963 के बीच इस रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाई किया गया था। देहरी आसनसोल रेलवे स्टेशन मुगलसराय मंडल के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 85% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 85% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: SPS समता कॉलेज, जगजीवन महाविद्यालय, वीर कुंवर सिंह महिला कॉलेज, CCS कॉलेज राजपुर, आर्यन शाह सर्वोदय कॉलेज, सुनील सिंह यादव डिम्पल कॉलेज, बंसीराम डिग्री कॉलेज, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं।
पर्यटन स्थल की बात करें तो रोहतास ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार शेर शाह सूरी का मकबरा, माँ तारा चंडी मंदिर, कैमूर हिल, मसार कुंड, करमचंद हिल्स आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, रोहतास ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।